कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है भाई। गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश की वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी है। तो नदी किनारे बहुत ज्यादा खतरा होता है पहाड़ों में। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पाई। गाइस देख सकते हैं तो नदी किनारे बहुत ज़्यादा खतरा होता है पहाड़ों में। सो गाइस अब भाई गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश की वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी है। सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए, सारे यात्री लोग सब भाग रहे हैं। भयंकर बारिश हो गई है। यहाँ से दोनों पुल बह चुके हैं, ये हैराम मारा। यहाँ पर जो दो पुल थे उनका कोई नाम निशानी है। ये रामबाड़ा का रास्ता है जो यहाँ पे भी एक बादल फटा है। यहाँ बीच में घाटी बन रखी है और इसके बीच में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो इधर भी नहीं आ सकते, उधर भी नहीं जा सकते। उधर के दोनों पुल बह चुके हैं और इधर घाटी बन रखी है जो कि कल एक बादल फटने के कारण यहाँ भी आने जाने के लिए बंद हो गया है और यहाँ के रामबाड़ा में जो लोग रह रहे थे वो वहीं फंस रखे हैं। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है।
यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है। कल रात बादल फटने से हुई तबाही लिंचोली में। लिंचोली स्पोर्ट में देखिए कितना कपड़ा तगड़ा तूफान पे गदरा कल चढ़ा था और कितना तगड़ा काम पड़ गया। ये और उस पहाड़ ये लोग तो बाल बाल बचे, रात को भागे ऊपर।